नमस्कार, ब्रेकिंग न्यूज। कांग्रेस के नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी में बदलाव का काम तेज कर दिया है। अध्यक्ष पद संभालने के बाद से ही खड़गे एक्शन मोड में हैं। सबसे पहले उन्होंने कांग्रेस की कार्य समिति यानी CWC की सारी इकाइयों को भंग कर दिया और इसके अलावा भी कुछ बड़े फैसले ले चुके हैं। आइए आपको बताते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे ने अध्यक्ष पद की कुर्सी पर बैठने के बाद क्या अहम और बड़े फैसले लिए। सबसे पहला, CWC भंग कर स्टीयरिंग कमेटी का गठन। फिर युवाओं को संगठन में मिलेगा आरक्षण, 50% आरक्षण देने का ऐलान। पब्लिक इनसाइट डिपार्टमेंट का भी होगा गठन। AICC इलेक्शन मैनेजमेंट की कमेटी बनेगी और सभी राज्यों में पॉलिटिकल अफेयर कमेटी बनेगी, सोशल जस्टिस एडवाइजरी कमेटी बनेगी। तो अध्यक्ष पद संभालने के बाद खड़गे पार्टी में नए चेहरों को भी आगे बढ़ाना चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने दलित और अल्पसंख्यक लोगों को आगे करने का फैसला लिया है। और खड़गे खुद दलित परिवार में आते हैं। देश की करीब 25% से भी ज्यादा आबादी SC ST वर्ग में आती है और अगर ये कांग्रेस के साथ जुड़ जाए तो 2024 में होने वाले इलेक्शन में कांग्रेस को बहुत बड़ा फायदा होगा। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष हिमाचल और गुजरात में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भी मंथन कर चुके हैं। आपको बता दें कि वो इसके लिए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को प्रचार के लिए भेजेंगे। तो मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा लिए गए फैसलों पर आपका क्या है कहना, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।